नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल टाइप ऑफ बैंक लोन की एंट्री कैसे हमें पास करनी है एंड कैसे उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है टैली में, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप कार लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं या फिर बैंक से आप लोन लेते हैं, तो कैसे उसकी अकाउंटिंग आपको करनी है एंड कैसे उसको एंट्रीज आपको पोस्ट करनी है टैली में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पर आप रेड कलर का छोटा सा सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड या फिर टैली से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वायरी है, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी उसका रिप्लाई करने के लिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे एंट्रीज हम करेंगे। कार परचेज थ्रू लोन, कार जो है परचेज की गई है लोन के थ्रू। शिव हैज परचेज कार फ्रॉम संदीप ऑटो ₹15 लाख। शिव ने परचेज की है कार संदीप ऑटो कंपनी से 15 लाख रुपीज़ की। टोटल कार वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख रुपीज़ हो गई। डाउन पेमेंट देखो, शिव ने जो है डाउन पेमेंट संदीप ऑटो को किया है 3 लाख रुपीज़ का। देन बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹12 लाख पेड बाय HDFC कार लोन फिनेंस अकाउंट। तो बैलेंस अमाउंट जो है 12 लाख रुपीज़ का किसने पे किया है, HDFC जिससे हमने अपना लोन फिनेंस करवाया है। HDFC पेड टू कार कंपनी संदीप ऑटो ऑफ ₹12 लाख। तो HDFC जिससे हमने फिनेंस करवाया है वो किसको पे करेगी, कार कंपनी को। संदीप ऑटो कंपनी जो है कार कंपनी है, उसको 12 लाख रुपीज़ पे करेगी। शिव हैज़ टू पे मंथली EMI ₹1.5 लाख फॉर 12 मंथ। तो इसकी EMI देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, आप गूगल में जाके EMI कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। टोटल कार वैल्यू जो थी 15 लाख रुपीज़ की थी, 3 लाख रुपीज़ का हमने डाउन पेमेंट किया है, तो 12 लाख रुपीज़ पे हम EMI कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट आप यहाँ पे डाल लीजिए, 12 लाख का हमारा लोन अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका जो भी करेंट पे चल रहा है वो आप इंटरेस्ट रेट ले लेंगे। यहाँ पे टर्म आ जाएगा, कितने टर्म का आपको लोन लेना है, हम 1 ईयर का कर लेते हैं। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मंथली पेमेंट EMI जो है कैलकुलेट करके आ गई है, 1,05,080 रुपीज़ का है। टोटल इंटरेस्ट जो है वो पूरा 1 ईयर पे है 60,971.26 रुपीज़। मंथली इंटरेस्ट जो इसका बना है 5,080.94 रुपीज़। इसका देखिए मंथली पेमेंट EMI हम देखेंगे 1,05,080.94 रुपीज़ ये बना है 12 मंथ के लिए। इसका देखिए अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा, इसका 4 मेन जो एंट्रीज होगा, हम 4 एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। सबसे पहले इनवाइस बुक करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं टैली में कैसे ट्रीट करेंगे इसको। सबसे पहले हमें जनरल एंट्री पोस्ट करनी होगी। आप डेट सपोज कीजिए 1 अप्रैल को आपने कार परचेस किया है, तो इसकी जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमें कार अकाउंट का लेजर ओपन करना होगा, ये अंडर आएगा फिक्स असेट्स के अंदर आएगा। इस तरीके से आप कार अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लीजिए। अब हमें डेबिट करना होगा 15 लाख रुपीज़, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट हम करेंगे, हमने किससे परचेस किया है, संदीप ऑटो से। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आप संदीप ऑटो का लेजर क्रिएट कर लीजिए, ये अंडर आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स के, हमने इसे परचेस किया है तो ये हमारा क्रिएटर्स हुआ। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स फिल कर लीजिए, इस तरीके से आप क्रेडिट कर देंगे 15 लाख रुपीज़, ये न्यू रेफरेंस के अंडर में आ जाएगा। इस तरीके से आप नरेशन दे दीजिए कि आपने कार परचेस किया है संदीप ऑटो से, बींग कार परचेस फ्रॉम संदीप ऑटो। अब देखिए अब सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे इसकी डाउन पेमेंट की। पहली एंट्री तो हमने पास कर ली, अब सेकेंड एंट्री का टर्न है, तो इसमें डाउन पेमेंट हम करेंगे। डाउन पेमेंट करेंगे तो F5 प्रेस करके आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, 1 अप्रैल को हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। अब डाउन पेमेंट किसको कर रहे हैं, संदीप ऑटो को, तो संदीप ऑटो जो है डेबिट हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ से। एंड यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हम चूज़ करेंगे, देखिए जो हमने अभी बुक किया था 15 लाख का, उसी में से ये 3 लाख एडजस्ट कर लेगा। हमने बैंक के थ्रू किया तो यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे चेक नंबर यहाँ पे फिल कर लीजिए, आप किस चेक नंबर के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर यहाँ पे डाल दीजिए नरेशन में। एंड बीइंग अमाउंट पेड टू संदीप ऑटो एज अ डाउन पेमेंट 4 लाख 3 लाख रुपीज़।
अब देखिए डाउन पेमेंट वाली एंट्री हो गई। अब हमें थर्ड एंट्री पोस्ट करनी है, HDFC बैंक लोन एंट्री, जिससे हम फिनेंस करा रहे हैं अपना लोन, उससे हम एंट्री जो जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए संदीप ऑटो अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड HDFC क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री पोस्ट करनी है, 1 अप्रैल को ही हम जनरल एंट्री भी पोस्ट करेंगे। इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, HDFC कार लोन अकाउंट के नाम से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर में देखिए ये सिक्योर्ड लोन के अंडर में आएगा, सिक्योर्ड लोन आप चूज़ कर लीजिए, सिक्योर्ड लोन्स हो गया। यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए, एड्रेस वगैरह। तो जिससे फिनेंस हुआ है उसका लेजर हमने क्रिएट कर लिया है, संदीप ऑटो डेबिट होगा। तो संदीप ऑटो को हम डेबिट कर देंगे एंड यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर जो हमने अभी लेजर क्रिएट किया था HDFC कार अकाउंट, इसको हम, ये हमारी वो लेजर है जिससे हमने जो लोन फाइनेंस कराया। देखिए संदीप ऑटो का आप देखेंगे करेंट बैलेंस 0 हो गया है, HDFC का जो है करेंट बैलेंस 12 लाख रुपीस क्रेडिट में आ रहा है। तो अब जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो पे करनी है HDFC कार लोन को, जिसके थ्रू हमने लोन अपना करवाया है। तो उसको हमें लोन ये एज इंस्टॉलमेंट इनको एवरी मंथ हमें देनी है। नरेशन आप टाइप कर लीजिए, बींग अमाउंट पेड टू संदीप ऑटो ऑन द बिहाफ ऑफ अस, ये हम नरेशन टाइप कर लेंगे एंड इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तीनों एंट्री हमने पोस्ट कर दी, इनवाइस की पोस्ट कर दी, डाउन पेमेंट की पोस्ट कर दी, HD जिससे हमने लोन फाइनेंस करवाया था उससे हमने एक जनरल एंट्री पास कर दी। लास्ट एंट्री बचती है EMI एंट्रीज बचती है, तो उसको हम कैसे पास करेंगे चलिए हम टैली में देखते हैं। यहाँ से हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से आप देखिए 1 अप्रैल को हमने लिया था, तो ये 1 मई को इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। अब हम किसको पे कर रहे हैं, हम पे उसको कर रहे हैं जिससे हमने लोन करवाया है, HDFC कार लोन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट देखिए इंस्टॉलमेंट बनी थी 105080 की, तो उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो 1 लाख का बचता है। यहाँ पे डेबिट अगेन होगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट वाला लेजर जो है क्रिएट करना पड़ेगा LTC करके। आप इंटरेस्ट ऑन कार लोन अकाउंट ये क्रिएट कर लीजिए, इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन अकाउंट ये क्रिएट हो जाएगा एंड अंडर ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि हम जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं, तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अब देखिए जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था 5080.94 रुपीज़ का है, अगेन हम क्रेडिट करेंगे बैंक को हम क्रेडिट करेंगे 1050.80.94 से। HDFC लोन जो है 1 लाख से डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक नंबर फिल कर लीजिए, नरेशन आप डाल दीजिए, चेक नंबर जो भी है आपका चेक नंबर डाल देंगे एंड बीइंग अमाउंट पेड टू HDFC कार लोन अकाउंट, इंस्टॉलमेंट भी करके आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई थी। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमने पोस्ट कर दी है। इसी तरीके से आपको 11 मोर एंट्रीज जो है पोस्ट करनी है। देखिए हम संदीप ऑटो का पहले लेजर देख लेते हैं जिससे हमने परचेस किया था कार, डेट हम चेंज कर लेंगे। देखिए कार अकाउंट में आपको दिख रहा होगा 15 लाख रुपीज़ एंड देन हमने पेमेंट किया था डाउन पेमेंट इसको 3 लाख रुपीज़ का किया था एंड जिससे हमने फाइनेंस करवाया था HDFC कार लोन उसने इसको 12 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। एक जनरल एंट्री हमने पास करके उसको एंट्री को सेटल कर दिया है, तो इसका अकाउंट जो है वो नील हो चुका है। देखिए 15 लाख रुपीज़ नील हो चुका है इसका। अब देखिए HDFC कार लोन का अकाउंट देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए हमने एक फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट पास कर दिए, तो इसे अभी और हमें 11 लाख रुपीज़ और देना है, तो हम अभी 11 एंट्रीज इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज और करेंगे तो इसका भी अकाउंट नील हो जाएगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम कर लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमने मई में किया था, अब जून में करेंगे। सेम एंट्री होगी, अगर आप चाहें तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ चेक नंबर एंड डेट चेंज होगा, नरेशन चेंज हो जाएगा। नरेशन में आप चेक नंबर चेंज कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट में आप लास्ट में 2 मेंशन कर दिए। इसी तरीके से हम थर्ड एंट्री पोस्ट करेंगे, डुप्लीकेट भी आप क्लिक करके कर सकते हैं इसको। यहाँ पे चेक नंबर चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा, नरेशन चेंज हो जाएगी, थर्ड एंट्री होगी। इसी तरीके से फोर्थ एंट्री हम करेंगे, तो इसमें हम 1 अगस्त में कर देते हैं इसकी एंट्री, सेम सारा प्रोसीजर सेम होगा, इसमें सिर्फ चेक नंबर चेंज होगा। नरेशन में हम 4 कर देते हैं। फिफ्थ वाली एंट्री हम कर लेते हैं, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री 1 सितंबर में हम कर लेंगे। यहाँ पे चेक नंबर चेंज कर लेते हैं, चेक डेट चेंज कर लेते हैं, नरेशन में 5th हो जाएगा। इस तरीके से 6th एंट्री हम करेंगे।
तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू सारी जो इंस्टॉलमेंट की एंट्री सेम करनी है, सेम रखनी है, सिर्फ आपका मंथ डेट जो है वो चेंज हो जाएगा, चेक नंबर चेंज हो जाएगा, एंड नरेशन में आपका चेक नंबर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नवंबर में भी हम इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं, चेक नंबर यहाँ पे चेंज कर लीजिए आप, इंस्टॉलमेंट 7th इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, इसकी एंट्री पोस्ट हो गई है। इसी तरीके से दिसंबर में भी हम कर लेते हैं, 1st दिसंबर को एंट्री करेंगे, चेक नंबर यहाँ से, चेक नंबर देखिए केयरफुली आप चेंज करते रहा कीजिए। उसमें क्या होता है कि चेक नंबर में कई बार मिस्टेक हो जाता है, जब हम चेक नंबर डालते हैं उसमें मिस्टेक हो जाता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप रिकन्सिलेशन करेंगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देखिए चेक नंबर चेंज करते रहिए, 9th इंस्टॉलमेंट की एंट्री हमने पोस्ट कर ली है, 1st फरवरी 2021 में इसकी एंट्री पोस्ट हम कर रहे हैं, 9th हो गई है, 10th इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से 11th इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम करेंगे मार्च में, 1st मार्च 2021 में करेंगे, चेक नंबर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 11 कर लेंगे एंड में। एक लास्ट एक देखिए अभी 1,00,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, हमें एक और एंट्री जो है इंस्टॉलमेंट की पे करनी है, पास करनी है, तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्च में एक और एंट्री दिखा दीजिए आप, इंस्टॉलमेंट 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर ली है। अब देखिए अब HDFC कार लोन अकाउंट का जो है लेजर ओपन करते हैं, देखिए सारी एंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, 12,00,000 की हमने जो है जो हमने उसको ट्रांसफ़र की थी जनरल एंट्री वो शो हो रहा है। उसके बाद ये सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री आप मंथ वाइज देख सकते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से सारी एंट्री आपको शो होगी। एंड देखिए इसका अकाउंट जो है वो नील हो चुका है, 12,00,000 डेबिट एंड 12,00,000 क्रेडिट हो गया है। तो इस तरीके से आप अगर आप चाहें तो इसका बैलेंस शीट में जाके भी इफेक्ट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, करेंट असेट्स में चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैंक देखिए, ये देखिए आप बैंक में भी क्लिक करके सारा जो इंस्टॉलमेंट गया हुआ है वो देख सकते हैं। अब देखिए फिक्स असेट्स में आप देख सकते हैं, कार अकाउंट का आप देख रहे हैं सबसे ऊपर दिख रहा है 15,00,000 रुपीज़ आपको शो हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन यहाँ पे देखिए 60,971.28 पैसे आपको शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे 60,971.28 पैसे, ये दोनों अकाउंट जो है वो मैच हो रहा है। जो हमने EMI बनाई थी, टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट जो किया था वो, और हमने जो एंट्री पास की है दोनों की अमाउंट जो है वो मैच हो रही है। तो इस तरीके से आप भी कार लोन, हाउस लोन हो, कोई भी लोन हो, इस तरीके से आप एंट्री को कर सकते हैं। कैसे हमें बैंक लोन की एंट्री पास करनी है टैली, लोन अमाउंट 1,00,000 रुपीज़ का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10% है, टर्म 1 ईयर्स का है, प्रोसेसिंग फीस जो है 1,000 + GST 18%। सपोज कीजिए प्रोसेसिंग फीस जो है 1,000 है प्लस 18% GST इस पर आपको एप्लीकेबल होगा। देखिए जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो आपको बैंक जो है एक स्टेटमेंट देता है रीपेमेंट शेड्यूल का, उसमें सारा EMI जो है कैलकुलेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है, इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। यहाँ पे देखिए मंथ वाइज आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1,00,000 रुपीज़ है टोटल, इंटरेस्ट चार्जेस जो है इस पे आप देखिए 5,499.45 पैसे है, टोटल EMI जो है 1,05,499.45 पैसे का टोटल EMI बन रहा है। इसमें देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज जो हम पोस्ट करेंगे वो मेनली 3 एंट्रीज जो है वो पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट करेंगे, जिस बैंक के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। एंड सेकेंड एंट्री हम पेमेंट की करेंगे, जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो उसकी पेमेंट की एंट्री हम सेकेंड करेंगे। एंड थर्ड इसमें आएगी EMI की एंट्रीज, जो EMI हम पे करेंगे उसकी एंट्री। तो चलिए देखते हैं कि टैली में कैसे इसकी एंट्री जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तो एंट्री करने से पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब के यहाँ पे सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे उस बैंक अकाउंट का, जिस बैंक अकाउंट से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, लोन रिसीव कर रहे हैं। PNB लोन अकाउंट कर देती हूँ मैं, अंडर ये आएगा सिक्योर्ड लोन के। अब यहाँ पे आप बैंक का सारा डिटेल फिल कर दीजिए, बैंक का एड्रेस वगैरह सारा कुछ, यहाँ पे GST नंबर बैंक का आ जाएगा। और ये फर्स्ट लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसिंग फीस का, प्रोसेसिंग फीस ये अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के,
प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, इसलिए वो एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में आप देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एप्लीकेबल हम करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स पे हम यहाँ पे यस प्रेस करके सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप सेम प्रोसेसिंग फीस टाइप कर दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे ले लीजिए परचेस टैक्सेबल, यहाँ पे आप टैक्स अमाउंट डाल दीजिए 18% एंड यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करके ये लेजर आप एक्सेप्ट कर दीजिए। सेकेंड लेजर क्रिएट हो चुका है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पेड अमाउंट का। ये अंडर जाएगा, ये भी जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जाएगा। इस तरीके से थर्ड लेजर जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इसकी हम एंट्री देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। डेट यहाँ पे डाल दीजिए 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे जो क्रेडिट हो जाएगा वो अकाउंट क्रेडिट होगा, वो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा जो हमें लोन दे रहा है। पीएनबी लोन अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। डेबिट हमारा अकाउंट होगा SBI बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़ से। नरेशन आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए बिंग लोन फ्रॉम PNB बैंक। सेकेंड एंट्री इसकी हम पोस्ट करेंगे। प्रोसेसिंग फीस की पेमेंट की एंट्री पास करेंगे इसमें। तो डेट आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल कर लीजिए। डेबिट हो जाएगा प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपीज़ था उसका प्रोसेसिंग फीस, अगेन डेबिट होगा यहाँ पे टैक्स अमाउंट डेबिट होगी। सपोज़ कीजिए 1000 पे 18% लग रहा है तो CGST हम 9% लगाएंगे, 1000 का 9% हो जाएगा 90 रुपीज़। एंड इस पर अगेन डेबिट होगा SGST 90 रुपीज़। और क्रेडिट हमारा बैंक हो जाएगा जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस बैंक में आपने लोन रिसीव किया है। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए बिंग अमाउंट पेड फॉर प्रोसेसिंग फीस अगेंस्ट लोन। थर्ड एंट्री जो है वो हम पास करेंगे EMI की, ये भी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। रीपेमेंट शेड्यूल शीट देखिए, यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है, तो यहाँ पे हम सब जैसे हमने अप्रैल में लोन लिया था तो इसका 1st EMI जाएगा 1 मई को। डेबिट वो अकाउंट होगा जिस अकाउंट से हमें लोन मिला है, PNB लोन अकाउंट। देखिए 8333.33 पैसे का है तो यहाँ पे ये अमाउंट हम फिल कर लेंगे। अगेन डेबिट होगा इंटरेस्ट पेड अमाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अमाउंट हम फिल कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना था 1st 458.26 पैसे, तो यहाँ पे अमाउंट फिल करके फिर क्रेडिट हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा SBI बैंक अकाउंट जिस अकाउंट में हमने पेमेंट रिसीव किया है, लोन रिसीव किया है जिस अकाउंट में। देखिए 8791.59 पैसे का 1st इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया है। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए बिंग अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलमेंट 1st, तो 1st इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो चुकी है। इसी तरीके से 2nd इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम करेंगे 1 जून में। PNB लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 7589.26 पैसे, डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट पेड अकाउंट। इंटरेस्ट कितना हमने पेड किया है इस मंथ जून में 1202.33 रुपीज़। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर दीजिए कि 2nd इंस्टॉलमेंट है ये। इसी तरीके से 3rd इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। डेट आप चेंज करते जाइए मंथ वाइज, जैसे हमने जून का किया था अब जुलाई का करेंगे 1st जुलाई। PNB लोन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आप यहाँ से देख लीजिए शेड्यूल से 8000 है। अगेन हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट पेड अकाउंट 791.59 का इसका इंटरेस्ट पेड अमाउंट है। नरेशन में आप टाइप कर दीजिए कि 3rd इंस्टॉलमेंट जारी है ये।
इसी तरीके से हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करेंगे। अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट करके भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि लेजर तो सेम होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, तो इसीलिए आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डेट चेंज कर दीजिए और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा मंथ वाइज जो भी होगा। फिर उसके बाद सेम एंट्री है यहाँ पे, नरेशन में आप चेंज कर दीजिए कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। इसी तरीके से आप सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री वन बाय वन कर लेंगे एवरी मंथ डेट चेंज कर करके। यहाँ देखिए 1 सितंबर में हम कर रहे हैं 6th इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर रहे हैं, 226 पैसे यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम सितंबर मंथ में। अगेन डुप्लीकेट करके मैं कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर को हम 8591.33 पैसे है, एंड इसका जो है इंटरेस्ट पेड हम कितना कर रहे हैं इस मंथ में 456.26 पैसे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस तरीके से नरेशन चेंज हो जाएगा कि ये 6th इंस्टॉलमेंट है। इसी तरीके से 1 नवंबर में हमें एंट्री पास कर लेंगे एक और इंस्टॉलमेंट की। इसका प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 8691.33 पैसे है और इंटरेस्ट हमने पेड किया था इसमें 100.26 पैसे। नरेशन चेंज हो जाएगा, नरेशन में 7th इंस्टॉलमेंट हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से बैक टू बैक एंट्री सारी हम कर लेंगे। एक लास्ट एंट्री हम पोस्ट करेंगे मार्च मंथ में, PNB लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से 8491.59 के इंटरेस्ट पेड हो जाएगा इसमें 300 रुपीज़, और हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पूरी एंट्री कर ली है इंस्टॉलमेंट की 12 एंट्रीज। देखिए PNB लोन अकाउंट जो है वो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया था। देखिए PNB लोन अकाउंट से हमने 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया था, तो सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। अब देखिए PNB लोन अकाउंट नील हो चुका है, यहाँ पे सारी इंस्टॉलमेंट आपको सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखिए रीपेमेंट शेड्यूल शीट से हम देख लेते हैं 1 लाख रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो चुकी है सारी। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट अकाउंट का भी लेजर चेक कर लेते हैं एक बारी, डेट चेंज करके देखिए यहाँ पे सारी 12 एंट्रीज आपको शो हो रही होगी मंथ वाइज, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक की सारी एंट्रीज। टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है 5,499.49 पैसे का। देखिए यहाँ टैली में भी जो एंट्रीज़ है 5,499.49 की हो गई है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एंट्री करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट उस शीट से और इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बैंक लोन की एंट्री इजीली पास कर सकते हैं और उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। हाउस परचेज थ्रू लोन। सुमन हैज़ परचेज हाउस फ्रॉम आदित्य रियल इस्टेट ऑफ ₹20 लाख। सुमन ने आदित्य रियल इस्टेट से 20 लाख रुपीज़ का है हाउस परचेज किया है। टोटल हाउस वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपीज़ की है। डाउन पेमेंट देखिए सुमन ने आदित्य रियल इस्टेट को डाउन पेमेंट कितने का किया है 4 लाख रुपीज़ का किया है। बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹16 लाख पेड बाय HDFC हाउस लोन फाइनेंस अकाउंट। तो बैलेंस अमाउंट जो है 16 लाख रुपीज़ का किसके थ्रू पेड किया गया है, जिससे हमने लोन फाइनेंस करवाया है HDFC से। HDFC पेड टू हाउस कंपनी आदित्य रियल इस्टेट ऑफ ₹16 लाख। HDFC ने किसको पे किया है, हाउस कंपनी को। हाउस कंपनी है आदित्य रियल इस्टेट, इसको हम उसने 16 लाख रुपीज़ पे किया है। सुमन हैज़ टू पे मंथली EMI ऑफ ₹1,38,405.92 पैसे फॉर 12 इंस्टॉलमेंट। तो इसकी EMI चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। टोटल हाउस की वैल्यू कितनी थी 20 लाख रुपीज़, डाउन पेमेंट हमने किया है 4 लाख रुपीज़ का, बैलेंस अमाउंट अब कितना रह गया है 16 लाख रुपीज़। 16 लाख रुपीज़ के ऊपर ही हमें EMI कैलकुलेट करनी है। तो EMI कैलकुलेटर आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे लोन अमाउंट आप फिल कर दीजिए जितने अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। मुझे 16 लाख का करना है इसलिए मैंने 16 लाख फिल किया है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखिए 6.95 रखा है मैंने, अभी करेंट पे यही रेट चल रहा है। टर्म हम ले लेते हैं 1 ईयर का एंड कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे।
देखिए, जैसे ही हमने कैलकुलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मंथली पेमेंट ईएमआई जो है कैलकुलेट होके आ गई है 1,38,405.92। टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखिए तो टोटल इंटरेस्ट इसका 1 ईयर पे कैलकुलेट कर रहा है 60,871.04 पैसे। ये टोटल इंटरेस्ट पे कर हो रहा है 6.95% के ऊपर। मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप देखेंगे तो मंथली इंस्टॉलमेंट इसका बन रहा है 5,072.59। तो टोटल ईएमआई कितने की बन गई, 1,38,405.92 पैसे की। आप देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे हम। इसकी जो है 4 मेजर एंट्रियाँ होंगी इसमें। सबसे पहले तो हम इसकी इनवाइस बुक करेंगे हाउस परचेस की। चलिए देखते हैं इसका टैली में कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पे साइड में ग्रीन कलर का टैक्स जनरल एंट्री वाउचर चूज़ कर लीजिए। हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा L2C करके हाउस अकाउंट का। ये अंडर में जाएगा फिक्स असेट्स के। तो इस तरीके से पहला लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। हाउस अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। टोटल हाउस अकाउंट प्राइस कितनी थी, 20 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा, हमने जिससे हाउस परचेस किया है। तो यहाँ पे आप L2C प्रेस करके उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए जिससे आपने परचेस किया है। हमने आदित्य रियल इस्टेट से परचेस किया है। अंडर आएगा इन सन्डरी क्रिएटर्स के अंडर में आएगा। यहाँ पे सारी एड्रेस वगैरह फिल कर लीजिए आप, GST वगैरह सारा कुछ आप फिल करके लेजर क्रिएट कर लीजिए। 20 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा जिससे हमने हाउस परचेस किया है। हाउस अकाउंट डेबिट हो गया एंड आदित्य रियल इस्टेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस रखना है इसको। फिर यहाँ पे आप नरेशन टाइप करके फिर एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो पहली एंट्री हमने कर दी है। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे। देखिए यहाँ पे पहली एंट्री डन हो चुकी है। यहाँ पे सेकेंड एंट्री हम डाउन पेमेंट की करेंगे, जो हमने डाउन पेमेंट किया था 4 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट वाला डेट आप चूज़ कर लीजिए 1 अप्रैल। अब यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, आदित्य रियल इस्टेट को डेबिट करेंगे 4 लाख रुपीज़। और इसको हम अगेंस्ट रेफरेंस पे लेंगे जो हमने अभी इनवाइस बुक की थी 20 लाख रुपीज़ की। देखिए उसके अगेंस्ट में ये एडजस्ट हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। तो इसको आप सेलेक्ट करके क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट हमारा बैंक होगा, हम अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट। तो आप बैंक अपना चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे बैंक की लेजर है नहीं, तो इसलिए मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे SBI बैंक अंडर ही आएगा बैंक अकाउंट के। तो इस तरीके से हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक नंबर फिल कर लीजिए, चेक जिस चेक के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन आप कर लीजिए टाइप की चेक नंबर जो आपका चेक नंबर है वो, एंड बीइंग अमाउंट पेड एज अ हाउस डाउन पेमेंट। चलिए हम आदित्य रियल इस्टेट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए लेजर ओपन हो चुका है आदित्य रियल इस्टेट का। यहाँ पे आप हाउस अकाउंट देख सकते हैं 20 लाख रुपीज़ का जो हमने जनरल एंट्री किया था वो, एंड सेकेंड हमने इसका जो है डाउन पेमेंट की एंट्री की थी 4 लाख रुपीज़ की। तो 20 में से 4 लाख रुपीज़ माइनस हो गए, अभी भी इसको 16 लाख रुपीज़ जो है आदित्य रियल इस्टेट को हमें देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक जनरल एंट्री पोस्ट करनी होगी और आदित्य रियल इस्टेट का अकाउंट जो है एडजस्ट करना होगा। तो यहीं से हम Alt+A करके यहाँ पे जनरल वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद थर्ड एंट्री हमें करनी है HDFC बैंक लोन, जो HDFC बैंक जिससे हमने लोन लिया है वो कंपनी आदित्य रियल इस्टेट को 16 लाख रुपीज़ देगी। तो यहाँ पे देखिए डेबिट हो जाएगा आदित्य रियल इस्टेट 16 लाख रुपीज़। न्यू रेफरेंस में हम इसको ले लेंगे। और क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हमें Alt+C करके लेजर क्रिएट करना पड़ेगा HDFC होम लोन फाइनेंस अकाउंट करके ऐसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर ये आएगा
अंडर ये आएगा सिक्योर्ड लोन के, सिक्योर्ड लोन के अंदर आ गया। यहाँ पे सारे आप डिटेल फिल कर लीजिए बैंक की। तो ये लेजर क्रिएट हो गया जिससे हमने लोन लिया था। ये 16 लाख रुपीस देखिए क्रेडिट हो जाएगा। आदित्य रियल स्टेट का अकाउंट आप देखेंगे, आदित्य रियल स्टेट का अकाउंट 0 हो चुका है, और HDFC होम लोन का अकाउंट आप देखेंगे 16 लाख रुपीस क्रेडिट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, HDFC को 16 लाख रुपीस हम देंगे। अब HDFC ने आदित्य रियल स्टेट को दे दिया, इस तरीके से आदित्य रियल स्टेट का अकाउंट जो है वो नील हो चुका है, और HDFC होम लोन का अकाउंट जो है 16 लाख रुपीस से क्रेडिट हो गया है। तो आप नरेशन टाइप कर दीजिए कि बीइंग अमाउंट पेड बाय हाउस HDFC हाउस फिनेंस लोन अकाउंट टू आदित्य रियल स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ अस। अब देखिए ये वाली एंट्री, थर्ड एंट्री हमने पोस्ट कर दी। अब इसके बाद EMIs की एंट्री हम पोस्ट करेंगे, जो EMIs एंट्री में 12 इंस्टॉलमेंट देना है उसकी एंट्री हम पोस्ट करेंगे। तो यहाँ से आप Alt+A कर लीजिए, पेमेंट वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंड हमने हाउस परचेस किया था 1 अप्रैल को, तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 मई को। देखिए HDFC हाउस लोन अकाउंट जो है इसका डेबिट होगा, क्योंकि हमें HDFC होम लोन को जो है पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, तो इसीलिए ये अकाउंट डेबिट होगा। 1,33,333.33 पैसे का इसका इंस्टॉलमेंट बना है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। एंड अगेन हम डेबिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट होगा इंटरेस्ट पेड अकाउंट, तो Alt+C करके आपको इसका लेजर क्रिएट करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन अकाउंट ये टाइप करके आप लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे ये एक्सपेंसेस हुए, तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। अब देखिए इंटरेस्ट कितना है अमाउंट, हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट था 5,072.59 पैसे, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे फिल करके क्रेडिट क्या करेंगे, हम अपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा SBI बैंक। यहाँ पे आप अपनी चेक डिटेल डाल दीजिए, चेक की डेट डाल दीजिए, एंड यहाँ पे नरेशन टाइप कर दीजिए कि चेक नंबर जो भी आपका चेक नंबर है वो, एंड बीइंग अमाउंट पेड टू HDFC हाउस फिनांस लोन अकाउंट एज अ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट। अब इसी तरीके से हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री की पास करनी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम करेंगे, आप चाहें तो डुप्लीकेट एंट्री पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 जून को। हाउस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 1,33,333.33 पैसे से। फिर यहाँ पे आप चेक नंबर डाल के नरेशन आप डाल दीजिए, और एंड में आप इंस्टॉलमेंट 2 आप करके इसको सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम कर लेते हैं 1 जुलाई को। HDFC लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेम अमाउंट होगा 1,33,333.33 पैसे, एंड अगेन डेबिट होगा हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन 5,072.59 पैसे। अब देखिए, अब यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर लीजिए, चेक नंबर जो है आपका वो, एंड बीइंग अमाउंट पेड टू HDFC एज अ होम लोन इंस्टॉलमेंट आपकी थर्ड गई है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम कर लेंगे, डेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 1/8 कर लेंगे। इस तरीके से चेक नंबर आपको चेंज करते जाना है, एंड डेट भी आपको चेंज करते जाना है केयरफुली। आप जब भी इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते हैं तब आपको चेक नंबर केयरफुली देख के एंड उसको एंट्री को आपको पास करते जाना है कंटिन्यू। अब देखिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट की एंट्री हम पास करेंगे, इसमें यहाँ पे चेक नंबर चेंज हो जाएगा, या नरेशन में भी आप चेक नंबर चेंज कर लेंगे।
का फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की हम एंट्री पास कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। यहाँ पे आप चेक नंबर चेंज कर लीजिए। इसी तरीके से हम 1 नवंबर को इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर लेनी है। आप डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं एंट्री। डुप्लीकेट आप वाउचर चूज़ कीजिए एंड डेट चेंज कर दीजिए और चेक नंबर चेंज करना है आपको, नरेशन चेंज करना है, बाकी सेम चीज़ होगा, सारा प्रोसीजर सेम होगा। HDFC हाउस फाइनेंस लोन का जो है लेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए लेजर ओपन हो चुका है, यहाँ पे सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री आपको शो हो रही है। 16 लाख डेबिट एंड 16 लाख क्रेडिट हो गया है। तो इस तरीके से इसका अकाउंट नील हो चुका है। देखिए हमने मंथ वाइज एंट्री पोस्ट की है, अप्रैल में जून जुलाई इस तरीके से पूरे ईयर की एंट्री पोस्ट की हमने 1 बाय 1 तरीके से सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री आप करके। एक बार हम आदित्य रियल इस्टेट का भी अकाउंट देखते हैं, 20 लाख डेबिट एंड 20 लाख क्रेडिट, इसका भी अकाउंट नील हो चुका है। एक जनरल एंट्री है इसमें एंड एक पेमेंट की डाउन पेमेंट की एंट्री है, और एक जनरल एंट्री जो हमने पोस्ट की थी वो है 16 लाख रुपीज़ की, जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया था जिससे हमने बैंक लोन लिया है। तो इस तरीके से इसका भी अकाउंट जो है क्लियर हो चुका है। अब हम इंटरेस्ट पेड हाउस लोन का अकाउंट देख लेते हैं। डेट चेंज करके आप यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए 60,871.08 पैसे आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं जो हमने कैलकुलेशन की थी, टोटल इंटरेस्ट 60,871.04 पैसे। तो ये दोनों अमाउंट जो है वो मैच हो रहा है। इस तरीके से आप केयरफुली एंट्री करेंगे मंथ वाइज तो आपका दोनों अमाउंट जो है मैच हो जाएगा। तो आप भी हाउस लोन की होम लोन की एंट्री इस तरीके से पास कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।